वाले है नीचे। सेवितं कविजयम्बो बलचारु वक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम् ओम श्री गणेशाय नमः। ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यास्त्रेत पुण्डरीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तरासी ओम पुण्डरीकाक्षः। Rakshya Mantri, who is on a two-day visit to Jammu and Kashmir and Leh, chaired a high-level security review meeting in Srinagar on Friday. He was briefed in detail about the situation and the line of control in the hinterland and successful counter-terrorist operations. Rakshya Mantri said that the country was proud of the valour and patriotic spirit of the soldiers. He urged all to continue to work hard to ensure security both on the line of control and in the hinterland. Rajnath Singh also impressed upon the commanders to maintain strict vigil along the line of control and remain prepared to give a befitting reply to any misadventure by the adversary. The Raksha Mantri complimented everyone for great synergy and close coordination amongst the security forces and government agencies towards bringing back normalcy in the region and lauded their work in Kyadi kiya gaya, kya samvidhan ko taak pe rakha gaya, kya ek emergency ki situation aaj Rajasthan mein hai, क्या सभी राजनीतिक पार्टी के सभी लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, इसको लेकर सीबीआई द्वारा तत्कालीन जांच हो और जो 10 कॉम्पिटेंट एजेंसीज हैं उनका नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई, ईडी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, रॉ, डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस एंड दिल्ली पुलिस कमिश्नर। रिकवरी रेट करीब 63% है। देश भर में रिकवरी दर को बढ़ाने और संक्रमण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य अपने अपने स्तर पर कदम उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह तक मिनी लॉकडाउन चल रहा है। इस दौरान केवल आवश्यक सेवाएं जारी हैं। दरअसल यूपी सरकार ने पिछले दिनों फैसला किया था कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हर सप्ताह वीकेंड पर लॉकडाउन होगा। इन 55 घंटों की पाबंदी के दौरान आर्थिक गतिविधियों को पूरी तरह मुक्त रखा गया है। इस दौरान जिला स्तर पर जिला कलेक्टर को नियम बनाने की छूट दी गई है। शुक्रवार रात्रि 10 बजे से लेकर के और सोमवार प्रातः 5 बजे तक मार्केट, चाहे वह शहरी क्षेत्र का हो, नगरीय क्षेत्र का हो या ग्रामीण क्षेत्र का, उसको हम पूरी तरह बंद कर रहे हैं। इस दौरान हमारे ऑफिसेस भी बंद हैं, उद्योग धंधे चल रहे हैं, निर्माण के कार्य चल रहे हैं या जो उद्योग चल रहे हैं उनके लिए अनिवार्य शर्त है कि वे लोग अपने यहाँ कोविड हेल्प डेस्क बनाएंगे, वहां पे ट्रेंड स्टाफ होगा। नगरीय क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्र के भी मार्केट को 2 दिन के लिए हम लोग वर्तमान में बंद कर रहे हैं। उधर बेंगलुरु में एक हफ्ते के लॉकडाउन के चलते नियमों को बेहद ज्यादा सख्ती से लागू किया जा रहा है। राज्य सरकार इस दौरान पूरे शहर में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए तेजी से कदम उठा रही है। सरकार बेंगलुरु मॉडल को दोबारा नए सिरे से लागू करने पर जोर दे रही है। ट्रैकिंग, टेस्टिंग, ट्रीटिंग मजबूती से लागू किया जा रहा है। सरकार ने कोरोना के कंट्रोल रूम को विकेंद्रित कर जोनल कंट्रोल रूम तैयार किया है ताकि शहर के अलग अलग क्षेत्रों में कोविड 19 के लिए सेवाएं बेहतर और जल्द उपलब्ध हों। बेंगलुरु में कोविड 19 के केसेस के बढ़ने की संख्या के बाद कर्नाटक सरकार ने शहर में पूरे एक हफ्ते का लॉकडाउन लागू कर दिया है और इस लॉकडाउन के दौरान कर्नाटक सरकार चाहती है कि तमाम जो मेडिकल सुविधाएं हैं उसे दोगुना कर दिया जाए और सरकार ने इसको देखते हुए इस एक हफ्ते के टाइम में यहां पर जो सुविधाएं हैं उन्हें डेवलप कर दिया है और दोगुना कर दिया। राजधानी तिरुवनंतपुरम का तटीय इलाका कंटेनमेंट जोन में आता है। कोविड के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए गंभीर समस्या वाले इलाकों में संपूर्ण गतिविधियों पर रोक लगाने का फैसला किया है। तिरुवनंतपुरम में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 18 जुलाई की आधी रात से 28 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। तिरुवनंतपुरम ऑलरेडी 12 क्लस्टर्स आर फॉर्मड एंड वी आर वाचिंग थरली व्हाट इज हैपनिंग इन दिस क्लस्टर and we are trying to contain this disease inside the cluster. We close that cluster and declare this a containment zone and we are taking stringent activities in those clusters and we are starting more CFLTCs, first line COVID first line treatment centers, and this is a first line treatment center. We have already more than 300 beds here
and we can set another 300 beds also here. बात असम की करें तो राज्य सरकार ने सोमवार से गुवाहाटी में तमाम छूट देने का ऐलान किया है. We have declared some relaxations looking into the economic activities requirement of economic activities and accordingly we have allowed all the shops and business establishments on from Monday to Friday that will be one side of the road alternatively. Wholesalers of essential items, wholesalers of non-essential items, vegetables, fish market wholesalers, etc. are allowed Monday to Friday, 7 a.m. to 5 p.m. Home delivery for vegetables, meat, fish allowed. उत्तराखंड सरकार भी राज्य में कोविड संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए सप्ताहांत लॉकडाउन लागू कर रही है. मुख्यमंत्री ने शनिवार को अधिकारियों के साथ बैठक की. पिछले हफ्ते हमने उसकी वजह से वहाँ पर लॉकडाउन भी किया था और उसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं. और ये भी देखने में आया कि तीन लोग ऐसे थे जो सुपर स्प्रेडर जिनको कहा जा सकता है, उससे कैसे उन लोगों ने बचाव किया और जो ट्रेसिंग की है वो बहुत अच्छी प्रशंसनीय कार्य वहाँ के प्रशासन ने किया है और एक एक को वो ट्रेस कर पाए. वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक टीम बिहार में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य का रविवार को दौरा करेगी. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्र सरकार लगातार बिहार की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. बिहार में जांच, संक्रमण क्षेत्रों और हॉटस्पॉट के बारे में लगातार चर्चा की जा रही है. ब्यूरो रिपोर्ट्स के साथ न्यूज़ नाइट डेस्क, डीडी न्यूज़.